खबर महाराष्ट्र के बुलढाणा से है, जहां कांग्रेस ने कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति को दोबारा शुरू करने की मांग की है। मामले को लेकर जामोद कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल की ओर से एक मेमोरेंडम भी दिया गया, उसमें उन्होंने छात्रवृत्ति चालू करने की मांग की है। बता दें, अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को दिए बयान में कहा गया है कि हमारी केंद्र सरकार ने इस शैक्षणिक सत्र से इस समूह की कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों की धार्मिक अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति बंद कर दी है। 25 नवंबर को नवीनीकरण छात्रों के आवेदन जो है निरस्त कर दिए गए हैं, जिससे छात्र आर्थिक और शैक्षणिक संकट में है। नतीजन शैक्षणिक उन्नति के लिए छात्रवृत्ति को बंद कर दिया गया है। इससे जलगांव जामोद तालुका के सभी जिले परिषद और निजी स्कूलों के 4000 से अधिक छात्रों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं बुलढाणा जिले के जलगांव जामोद और एक पिछड़ा और आदिवासी गांव है, जहां बड़ी संख्या में कई समुदाय के परिवार रहते हैं। इन समुदायों की आर्थिक स्थिति खराब होने से शिक्षा से कोसों दूर है। बता दें, धार्मिक अल्पसंख्यक छात्रों के कल्याण के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम के अनुसार धार्मिक अल्पसंख्यक छात्रों के लिए उपरोक्त छात्रवृत्ति योजना 30 जुलाई 2008 को प्रारंभ उन्होंने की, जबकि इससे काफी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। वही वर्ष 2022-23 से केवल 9वीं और 10वीं में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। नतीजन पहले से 8वीं की कक्षा के छात्रों को निष्कासित कर दिया गया। 25 नवंबर को कार्यालय शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राचार्यों को संदेश भेजा है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के नए और नवीनीकरण छात्रों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। वो श्री मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार के द्वारा जो 15 सूत्री कार्यक्रम था, उसके अंदर एक कार्यक्रम ये था कि जो अल्पसंख्यक विद्यार्थी है, इनको एक पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक इस तरह से 2 स्कॉलरशिप दी जाती थी। लेकिन अभी पिछले महीने में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार है, इसके अल्पसंख्यक मंत्रालय ने एक निर्णय लिया, जिसके माध्यम से इन्होंने जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप यानी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक मिलने वाली स्कॉलरशिप, जो हर महीने 1000 रुपये राशि के तौर पर अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मिलती थी, इसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है।